2019 में हम बीजेपी को दिल्ली की सरकार से हटा के ही रुकेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आगे की सियासी राह तय करेंगे, इसलिए एग्जिट पोल के नतीजों के बाद हर तरह के समीकरणों पर बुरा भाग चल रहा है। फिलहाल कांग्रेसी नेताओं के हौसले बुलंद हैं। न सिर्फ जीत के दावे किए जा रहे हैं बल्कि उंगलियों पर सीटें गिनकर जीत के दावे किए जा रहे हैं। मैंने तो 3 महीने से मैं कह रहा हूँ कि हमारी 140 सीटों से ज्यादा आएंगी। कुछ परिवर्तन नहीं हुआ उसमें? मैं तो कह रहा हूँ, मैंने जो 3 महीने पहले कहा था मैं अब 24 घंटे पहले कह रहा हूँ। हम सबको इंतजार करना चाहिए कल का, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तीनों प्रदेशों में जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ जनता ने मन बना लिया है कि उस सरकार को बाहर करना है और एक स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनेंगी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में। वहीं 2018 के चुनावी नतीजों की बिसात पर 2019 के समीकरणों पर भी हिसाब किताब शुरू हो गया है। अगर सब कुछ एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता का सूरज दिख जाता है तो इससे कांग्रेस को बीजेपी विरोधी पार्टियों को एक छतरी के नीचे लाने में आसानी होगी। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी विरोधी पार्टियां एक साथ दिल्ली में बैठने वाली हैं संसद में मोदी सरकार को घेरने के नाम पर। इस बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, एनसीपी, एसपी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, जेडीएस, एनसी, आरएलडी के शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन अखिलेश यादव और मायावती के इस बैठक में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अखिलेश यादव संकेत दे चुके हैं कि वो गठबंधन बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी और देश में बीजेपी को हटाने की एक हवा चलेगी और उसके बाद ये तूफान और आंधी चलेगी, बीजेपी रुक नहीं पाएगी। ऐसे में कल के नतीजों के बाद राहुल को बीजेपी विरोधी पार्टियों को समझने में मदद मिलेगी कि मोदी और शाह की जोड़ी को हराना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वहीं अगर बीजेपी के मन मुताबिक नतीजे आए तो मोदी और अमित शाह को हिंदी पट्टी में अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीटें कम होने का मतलब है मोदी की 2019 की जीत की राह में मुश्किलों की शुरुआत।